अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान कार सवार गो तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली पैर में लगने के चलते एक गो तस्कर घायल हो गया, तो वही उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। क्षेत्र अधिकारी इगलास राजीव द्विवेदी ने बताया कि एक और 2 अक्टूबर की देर रात्रि में थाना गोंडा पुलिस टीम के द्वारा किनमासा नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध कार को पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर कार चालक गाड़ी को मोड़कर दूसरे रास्ते से भाग गया, तो इस दौरान कार अनियंत्रित होकर रोड के किनारे खेतों में फंस गई। पुलिस टीम के द्वारा पीछा करते हुए मौके पर पहुंची और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो उन व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जहां पुलिस टीम के द्वारा भी उन्हें ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, बावजूद इसके उन व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग जारी रखी गई, तो वहीं इस पर पुलिस टीम के द्वारा भी संयुक्त रूप से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने के चलते घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में उसके द्वारा अपना नाम मतीन कुरैशी पुत्र मुन्ना निवासी काजीपाड़ा थाना टप्पल बताया, तो वही गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें गोकशी से संबंधित छुरे रस्सी सिरिंज इत्यादि सामान बरामद किया गया तथा घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए पुलिस टीम के साथ CHC रवाना किया गया। घटना के संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकरण करते हुए अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना है कि आज दिनांक 1/2 की रात्रि में गोंडा की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में किनमासा नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी तथा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, तो कार दूसरे रास्ते मुड़के भागी तथा आगे जाके अनियंत्रित होकर एक रोड के किनारे खेतों में फंस गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा करते वहां पहुंचा और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उन व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा भी उनको ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, किंतु उसके उपरांत भी उनके द्वारा फायरिंग जारी रखी गई, तो पुलिस टीम द्वारा भी संयमित रूप से आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की गई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मदीन पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी टप्पल बताया। गाड़ी की तलाशी में गाड़ी में गोकशी से संबंधित छुरे रस्सी सरिंज इत्यादि सामान बरामद हुए तथा घायल व्यक्ति को तत्काल ही चिकित्सीय सहायता के लिए पुलिस टीम के साथ CHC रवाना किया गया और मौके पर हुई इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर फील्ड की टीम को बुला करके अन्य आवश्यक नियमानुसार कार्रवाइयां कराई जा रही है।